नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला रिव्यू ऑफ टिकू एंड शेरू, जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अमित कौर की मूवी है। अमेजन प्राइम पे 23 जून को आज ही रिलीज हुए 2 घंटे 12 मिनट की फिल्म है और कंगना रनौत इसकी प्रोडक्शन करता है। जी हाँ दोस्तों, मणिकर्णिका प्रोडक्शन हाउस है उसकी ये फिल्म है। अमेजन प्राइम पे फ्री में आई है दोस्तों। ये मुझे ट्रेलर जब मैंने देखा तो मुझे मतलब ऐसा लगा था यार ये हंसाने वाली फिल्म होगी, मज़ा आ जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि हमें प्लॉट दिया गया था तो आपको ऐसे लगेगा कि नहीं यार मज़ा आने वाला है। तो मैंने भी यही एक्सपेक्ट किया था और मैंने मूवी देखी, पर दोस्तों मतलब 25-30 मिनट तक तो मुझे मज़ा आया कि लगा कि नहीं यार मज़ा आ रहा है, अभी कुछ होगा अभी कुछ होगा। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी है जो कि शेरू की भूमिका कर रहे हैं, वो मुंबई के एक जूनियर आर्टिस्ट है, और टिकू है वो कि एक अपना ड्रीम कर रही है सुपरस्टार बनने का, उसको मुंबई शिफ्ट होना है, तो उसके फिर शादी का बात आती है। तो ऐसे मतलब बहुत अल्लड़ सी दिखाई है, मतलब बहुत ही बिगड़ लड़की है, सबसे झगड़ा करती रहती है, बहुत गुस्से वाली दिखाई है। पर क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुंबई से है और उसे लगता है कि नहीं मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मैं सुपरस्टार बन सकती हूँ मुंबई जाके, तो वो शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर वो मुंबई जाती है, फिर क्या ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं, फिर पता चलता है कि जो मतलब टीकू का यानी कि अवनीत कौर का एक बॉयफ्रेंड भी था, उस इसी के लिए वो यहाँ पर आई थी, वो पता चला वो शादीशुदा है, और फिर क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, वो क्या उसको क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी कितना कितना झूठ बोलता है, और फिर क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स उसकी लाइफ में आते हैं, तो दोनों की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, यही सब पोर्ट्रेट किया गया है। दोस्तों मुझे पॉजिटिव उन दोनों की एक्टिंग ही लगी है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग में पता ही है कि बार वो एक्टिंग का मास्टर है, तो 2-3 सीन तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बहुत ही शानदार है। और एक हमें शायद अच्छा लगेगा कि यार उसको जो ट्रांसजेंडर बताया है एक सॉन्ग में, क्यों वो कैरेक्टर लाए वो पता नहीं है, पर ऐसा देखने में उसकी एक्टिंग के लिए अच्छा है। और दोस्तों ये मूवी अवनीत कौर की ही है। जी हाँ दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अवनीत कौर की ही है मूवी है। और एक बात बताऊँ दोस्तों, ये कंगना रनौत के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को आप इकट्ठे कर लो ना, इससे भी ज़्यादा ये अमित कौर के फॉलोअर्स है। और सिर्फ 23 ईयर्स ओल्ड है ये एक्ट्रेस और शानदार एक्टिंग की है, उसके 33 मिलियन फॉलोअर्स है, और पहले वो डांस डांसिंग शो में आती थी और फिर कंटेस्टेंट की तरह से फिर सोशल मीडिया में इतना बज हुआ कि बहुत ही फॉलोअर्स है उसके। तो हाँ जी, उनके फॉलोअर के लिए तो ये ट्रिक टू वॉच है, बहुत ही अच्छी लगने वाली है और बहुत मज़ा आ जाएगा यार, मस्त एक्टिंग की है लड़की ने, आपको मतलब लगेगा कि आलिया भट्ट का ये अच्छा अच्छा सा दिखा हुआ स्वरूप है, मुझे तो ऐसा लगा। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी एक्टिंग अच्छी है, पर दोस्तों प्लॉट इतना एंगेजिंग नहीं है। शुरू में जो मतलब ऐसा प्लॉट बनता है कि मज़ा आएगा, तो फिर बाद में वो फ्लैट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बकवास है, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा, ठीक ठाक मूवी है, फ्री में आई है तो आप देख सकते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए देख सकते हैं, अवनीत कौर के लिए डेफिनेटली देख सकते हैं। और तो कुछ नहीं है दोस्तों, वंस वॉच है। थैंक यू सो मच।